हमारी दुनिया में बहुत सारे अजीब अजीब प्रजाति देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो पानी में हो या फिर जमीन में। जब आप उन जानवरों को पहली बार देखते हो तो आपके मुंह से सिर्फ एक ही चीज निकलती है, अरे भाई ये क्या देख लिया। लेकिन आज हम देखने वाले हैं इंडिया हिंदुस्तान में पाए जाने वाली कुछ ऐसे जानवर जो आई एम श्योर आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा या फिर तस्वीर भी नहीं देखी होगी। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो पहला जानवर जो हमारे लिस्ट में है वो है मालाबार जायंट स्क्विरल। जी हाँ, इस मालाबार स्क्विरल को शेकरू के नाम से भी जाना जाता है। इसे इंडिया के वेस्टर्न घाट्स में ज्यादातर पाया जाता है, लाइक महाराष्ट्र और तमिलनाडु। इसकी खास बात यह है कि ये तीन अलग अलग कलर, ब्लैक, क्रीम और पर्पल के होते हैं। जी हाँ, जैसे कि आप तस्वीर में देख ही सकते हो। और इसकी लंबाई लगभग 3 फीट की होती है। जी हाँ, और इसकी खास बात यह भी है कि इसे खुले जंगलों में पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगर आप इसे देखना चाहते हो तो आप भीमाशंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो महाराष्ट्र में है और मुदुमलाई टाइगर रिजर्व जो तमिलनाडु में है, वहां जाके आप देख सकते हो। ये जानवर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, जब आप इसको आंखों के सामने देखोगे तभी आपको पता चलेगा। हमारी लिस्ट में जो दूसरी जानवर है उसका नाम है गीज गोल्डन लंगूर। गोल्डन लंगूर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जानवर है, पता है क्यों? क्योंकि इसे मोस्टली आसाम में पाया जाता है और कहीं नहीं। ये जानवर स्पेशल दो रीजंस की वजह से है। एक तो कुछ लोगों ने नोटिस किया है कि इनके शरीर के जो बाल होते हैं वो मौसम के हिसाब से बदलते हैं। जी हाँ, ठंडी में ये थोड़ी सी डार्क गोल्डन कलर की हो जाती है और समर्स में, गर्मी में, ये थोड़ी सी क्रीम कलर की हो जाती है। और दूसरा रीजन ये भी है कि ये जानवर बहुत ही ज्यादा एंडेंजर्ड स्पीसीज है, यानी कि खतरे की मोर पे है। इतनी ज्यादा एंडेंजर्ड स्पीसीज है कि अभी सिर्फ और सिर्फ कुछ 100 ही बचे हैं इस दुनिया में। बट फिर भी अगर आप इसे देखना चाहते हो तो आप जा सकते हो मानस टाइगर रिजर्व जो आसाम में है। हमारी लिस्ट में जो तीसरी जानवर है वो है डंगोंग। जी हाँ, जमीन में तो हम सब ने गाय देखी है, लेकिन क्या आपने कभी पानी में गाय देखी है? वेल, डंगोंग को लोग सी काऊ बुलाते हैं, यानी कि समुद्र की गाय। और पता है क्यों? क्योंकि ये देखने में तो शार्क और व्हेल जैसी लगती है, लेकिन ये एक वेजिटेरियन जानवर है। जी हाँ, ये ज्यादातर आपको अंडमान निकोबार में मिल जाएंगी और ये भी एक एंडेंजर्ड स्पीसीज में आती है। सर्वे के दौरान पता चला है कि अभी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ करीब करीब 250 के आसपास इसकी प्रजाति बची हुई है। चौथी जानवर जो हमारे लिस्ट में है वो है लायन टेल्ड मकैक। जी हाँ, जैसे कि आप तस्वीर में देख ही सकते हो, इनकी बॉडी ब्लैक कलर की कोटिंग में होती है और इनके मुंह के चारों साइड में शेर की तरह बाल भरे होते हैं। इनको ज्यादातर वेस्टर्न घाट्स और साउदर्न इंडिया में ज्यादातर पाया जाता है और ये भी IUCN के द्वारा एक एंडेंजर्ड स्पीसीज के लिस्ट में आती है। ये जानवर आपको ज्यादातर केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका के नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आपको मिल जाएंगे। और इसकी खास बात यह भी है कि इसकी पूंछ शेर की तरह होती है। जैसे कि शेर की पूंछ में आपने देखा ही होगा, शेर की पूंछ के अंत में एक बालों के गुच्छा होती है, उसी प्रकार इस जानवर में भी वैसे ही है। इसीलिए इस जानवर का नाम है लायन टेल्ड मकाक। तो चलिए बढ़ते हमारे अगली जानवर की तरफ। अगली जानवर जो हमारे लिस्ट में है उसकी नाम है नीलगिरी मार्टन। जी हाँ, और जैसे कि आप देख ही सकते हो कि इस जानवर की आधी बॉडी ब्लैक कलर की और आधी बॉडी येलो कलर की होती है और ये दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है। लेकिन इसकी खूबसूरती में बिल्कुल मत जाइएगा क्योंकि ये एक मांसाहारी जानवर है। ये एक बहुत ही रेयर जानवर है जो बहुत ही कम दिखाई देता है जंगलों में। और खास बात इसकी ये भी है कि साइंटिस्ट ने अभी तक इस जानवर को ज्यादातर स्टडी नहीं किया है और साइंटिस्ट ने अंदाजा लगाया है कि ये इतनी रेयर है कि अभी सिर्फ और सिर्फ 1000 के आसपास ही पूरे दुनिया में बची हुई है। अगर आप इस जानवर को देखना चाहते हो तो आप जा सकते हो पम्पदुम शोला नेशनल पार्क में और इस जानवर की खूबसूरती का मजा ले सकते हो, अगर ये आपको दिखा तो। जैसे कि मैंने बताया कि ये बहुत ही मुश्किल है पाना। अगली जानवर जो हमारे लिस्ट में है उसका नाम है इंडियन शेवरटैन, यानी कि माउस डियर। जी हाँ, जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हो कि ये जानवर थोड़ी सी चूहे जैसी भी लगती है और थोड़ी सी डियर जैसी भी लगती है ना। लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसकी बॉडी में जो हिरनों की तरह व्हाइट कलर के डॉट्स होते हैं वो इनको जंगलों में बचा के रखते हैं ताकि ये झाड़ियों में आसानी से छुप सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हिरनों की तरह इनके सर पे सींग नहीं होता और इनका साइज भी बहुत छोटा है। जी हाँ, ये भी आपको बता दूं कि ये एक एंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर आती है और ये आपको ज्यादातर दिख जाएंगे कर्नाटका, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला जो जानवर हमारे लिस्ट में है उसका नाम है चीरू। जी हाँ, जैसे कि आप तस्वीर में देख ही सकते हो कि एक बहुत ही खूबसूरत सी जानवर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जानवर भी खतरे की कगार पे है। वो इसलिए क्योंकि ज्यादातर इस जानवर के शरीर की कोटिंग को यूज किया जाता है शॉल्स बनाने के लिए। जी हाँ, और इसी कारण के वजह से सरकार के द्वारा इस चीरू गोट को एक स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया है सरकार के द्वारा।
जी हाँ, इस जानवर को आप ज्यादातर लद्दाख के साइड में देख पाओगे। आखिरी जो जानवर है हमारे लिस्ट में, उसका नाम है हिमालयन मार्मोट। जी हाँ, ये जानवर सबसे स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये दुनिया के बहुत ही कम उन जानवरों में से है जो इतनी ऊंचाई में रहते हैं पहाड़ों में। बाकी जानवर इतनी ठंडी और इतनी ऊंचाई को सहन नहीं कर पाते, लेकिन ये आसानी से कर लेते हैं। और हम सबको पता है कि इतनी ज्यादा ऊंचाइयों में ऑक्सीजन की भी कमी होती है, लेकिन इन जानवरों को रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो इसलिए क्योंकि ये जानवरों की खास बात ये है कि ये जमीन के अंदर 30 फीट के अंदर कम से कम खुदाई करके वहीं रहते हैं, और ठंडी के दौरान 6-6 महीने तक उसी बिल के अंदर छुपे रहते हैं। कभी कभी इनको टूरिस्ट के साथ भी देखा गया है, जिसकी वजह से लोगों को लगने लगा कि अब शायद इनकी जान को खतरा हो सकता है। इस जानवर को आप आसानी से लद्दाख में देख सकते हो, वो भी गर्मी के दौरान। तो गाइज, ये तो थी हमारी टॉप 8 इंडिया के अजीब जानवर। और आपको ऐसे ही अलग अलग तरीके के वीडियोस देखने हैं तो प्लीज मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा, क्योंकि आपको पता है कि हम यहाँ पे नॉलेजेबल कंटेंट बनाते हैं, क्योंकि नॉलेज इज एवरीथिंग, राइट? तो अगर आप नॉलेज को सपोर्ट करते हो तो हमारे चैनल को जरूर जाके सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? तो तब तक के लिए मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।